मैं देवेंद्र कुमार पांडे उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का महामंत्री हूँ। आज यह कार्यक्रम का मूल उद्देश्य क्या था? आज जो कार्यक्रम मऊ में हुआ है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बिजली विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी कार्य कर रहे हैं बिजली के, इनको जागरूक करना, इनको एक करना और इनका हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाना, ये मुख्य उद्देश्य है। क्या जो संविदा पे कर्मचारी जो नियुक्त हुए हैं क्या परमानेंट के लिए क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, आउटसोर्स के कर्मचारी नियमित नहीं हो सकते हैं। हमारी जो मुख्य मांग है वो ये है कि कार्य जिस अनुरूप लिया जा रहा है उसी के अनुरूप वेतन दिया जाए, या रुपया 18,000 निर्धारित कर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर दिए जाने वाले हित लाभों को दिया जाए, और जो बिजली विभाग में मस्टर रोल पर रोक लगी है इस मस्टर रोल को पर लगी रोक को हटाया जाए और आउटसोर्स कर्मचारियों को मस्टर रोल के तहत समायोजित कर कार्य कराया जाए। ये कार्यक्रम जो है यहीं पर हो रहा है कि पूरे प्रदेश में हो रहा है? ये कार्यक्रम हमारा पूरे प्रदेश में हो रहा है। अभी चुनाव से पहले हम 4 माह 4 दिन तक इको गार्डन में थे और जन जागरूकता अभियान हमारा पूरा प्रदेश में चल रहा है। 29 और 30 मार्च को हमारा लखनऊ के कैसर बाग स्थित लखनऊ में जो है सम्मेलन भी होने जा रहा है। हम लोग आउटसोर्स के कर्मचारी हैं और अपना सम्मेलन हम लोग खुद करने जा रहे हैं। अभी संविदा के लिए जो कर्मचारी जो नियुक्त हुए हैं ये लोगों की मांग क्या है? इन लोगों की मांग है कि कम से कम 18,000 वेतन दिया जाए, ठेकेदार के माध्यम से जो वेतन मिल रहा है उस माध्यम को समाप्त कर विभाग के माध्यम से वेतन का भुगतान किया जाए, जो रोज़ रोज़ दुर्घटनाएं हो रही हैं इस पर रोक लगाया जाए, दुर्घटना के शिकार कर्मचारियों का उपचार कराया जाए और सुरक्षा उपकरण दिया जाए, ये प्रमुख मांगे हैं। इस बिजली विभाग में बहुत से जो ठेकेदारी पे जो हैं जिनका जो है काफ़ी जो है शोषण हो रहा है, उस संबंध में क्या करें? ये शोषण की ही बात कर रहे हैं। शोषण चरम सीमा पर है। हमसे काम लिया जाता है लाइनमैन और उपकेंद्र परिचालक का। लाइनमैन उपकेंद्र परिचालक का काम लेने के बाद लेबर का अनुबंध किया जाता है ताकि इनको मजदूरी कम देना पड़े, तो ये एक बहुत बड़ा शोषण है। इसके खिलाफ़ हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं।